अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो है जा रहे हैं एक मीरपुरखास का झोपड़ा होटल, झोपड़ा होटल है, झोपड़ा होटल विजिट करने के लिए जा रहे हैं और वहां पर आज हमारा मूड है चाय पीने का। ठीक है, बिल्कुल, आज का दिन हमें मिला है क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन छुट्टी का होता है तो अपने लिए जिया जाता है। बिल्कुल, आज हम खुल के जिएंगे इस दिन इंशाल्लाह। ठीक है भाई। इस वक्त जो है मैं एक हमारा मीरपुरखास शहर का गांव है, बड़ा खूबसूरत विलेज है ये, वहां पर अभी मौजूद हूँ अपने दोस्त इस्माइल के साथ। यस इस्माइल, कैसा फील कर रहे हैं आप यहाँ पे? ऑसम। सो वी आर हियर फॉर यू नो स्पेंडिंग आवर संडे। चाय यार, मैं तो सोच रहा हूँ कि पहले कुछ खा लें खाने में, उसके बाद चाय पियेंगे, और खाने में कुछ जब खाएंगे जब थोड़ी सी भूख बढ़ेगी, तो अभी तो मुझे भूख नहीं लग रही है बिल्कुल भी। चले, तो भूख को बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, आगे पीछे जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, थोड़ी सी रनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है ना फिर वो होगा। ठीक है ना, इसको Love's in the air 'cause it's summertime. I'm feeling this breeze, oh please don't mind. There's no need for any magic pills 'cause being me is enough for thrill. Now just beat me. भाईजान, चाय वाला बताओ सही खाने में क्या क्या है? दाल माश, दाल चना है, कोरमा है, मुर्गी कढ़ाई है। दाल माश है, दाल चना है और मुर्गी कढ़ाई है। मुर्गी कढ़ाई है, चना साबुत भी है। अच्छा सर, ठीक है, दाल माश उसको थोड़ा फ्राई करवा देना और हरी मिर्ची उसमें डलवा देना। सही है ना सर, फुल करवा दें हरी मिर्चें? भले भले, जैसे हरी मिर्चें फुल कर दो। और क्या क्या है ठंडे में? लस्सी है, लस्सी है। अच्छा, लस्सी साथ लेकर आ जाओ। ठीक है, walking around sunshine beaming down feeling free than a jet airbound param pam param pam param param pam param pam 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 love's in the air 'cause it's summertime I'm feeling this breeze oh please don't mind param pam param pam param param pam param pam 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 there's no need for any magic pills 'cause being me is enough for thrill param pam param pam param param pam param pam now just beat me. So ye apna khana aa gaya hai, gaon ka khana. Wah bhai wah, वाओ, ये हमारी दाल है, माश की दाल। Walking around sunshine beaming down feeling freer than a jet airbound param pam param pam pam सर, गांव के खाने की बात ही कुछ अलग है। वाकई यार, गांव का खाना गांव का खाना। Love's in the air 'cause it's summertime. I'm feeling this breeze, oh please don't mind. There's no need for any magic pills 'cause being me is enough for thrill. दोस्तों, ये हमारी गांव की जो है विलेज की लस्सी आ गई है। वाओ यार, लस्सी पीने का तो अपने ही मजा है भाई, खाने के साथ लस्सी। Amazing यार। सर आप पिए ना? सर मैंने पी ली तो मैं पूरी पी जाऊंगा। हाँ भाई, आप पूरी पी जाएं, कोई मसला नहीं है, मैं दूसरा गिलास पी लूंगा। कौन सी लस्सी है ये? ये मार्केट आई लस्सी नहीं है, ये जो ओरिजिनल जो गांव के अंदर जो खुद
दूध निकाल के फिर उसको जमा के उसका दूध बनता है, उससे उसकी ये लस्सी बनाई गई है। अच्छा, ये मार्केट वाली लस्सी नहीं है। जब इसका जो टेस्ट है वो डिफरेंट है, दूसरी जो मार्केट वाली लस्सियाँ होती है उनसे डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, जब भी आप बोले थोड़ा टेस्ट डिफरेंट है, इस वजह से डिफरेंट है। एंड यू कांट टेक दैट अवे फ्रॉम मी, नो आई विल जस्ट बी मी व्हाइल रोमिंग द स्ट्रीट्स, ओह आई विल जस्ट बी मी। And you can't take that away from me. I meet a thousand different people with a thousand. सर वाकई आप जो है मुझे एक बड़े ज़बरदस्त होटल पर लेकर आ गए हैं। यहाँ का माहौल और यहाँ की चीज़ें जो है बड़ी अमेजिंग है यार। अमेजिंग है। मतलब ये शहर के जो होटल्स हैं वहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें मुझे जो है देखने को नहीं मिलेंगी। देखने की बात नहीं है, दूसरी बात ये है कि खामोशी है, अच्छी जगह है, थोड़ा बंदा विलेज साइड है, सुकून जो है माहौल है। शहर के माहौल में भीड़ भाड़ में पूरा वीक जो है वो टफ शेड्यूल गुजारने के बाद मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ऐसी जगहों पर हमें विजिट करना चाहिए। अमेजिंग यार। जी भाई दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारे ऊँट इस वक्त जो है जा रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। बहरहाल ये कि ये फर्स्ट टाइम मैंने जो है इतने सारे ऊँट कैमल्स जो है अपनी लाइफ में एक साथ इतने सारे देखे हैं यार। वैसे इस्माइल भाई, ये जो ऊँट हमने देखे हैं इतने सारे कैमल्स, ये किसके हैं? ये आप कह सकते हैं कि ये आई थिंक डिजर्ट एरिया है ना आगे, तो डेजर्ट एरिया से आए हैं। अच्छा, आगे रेगिस्तान भी है। रेगिस्तान भी है, बिल्कुल डेजर्ट एरिया है आगे, तो वहाँ पे जब खाने वगैरह की कमी हो जाती है ना, तो ये फिर मूव करते हैं हरियाली की तरफ। ठीक है, तो फ्री में फिर इनका लंच वगैरह डिनर सब हो जाता है। अभी भी आप देख रहे थे कि वो जैसे यहाँ घुसे तो सारे दरख्तों पे लग गए थे। हाँ ये तो है, बड़ा मजा आया यार इतने सारे एक साथ जो ऊँटे देख कर। ओके दोस्तों, आज हमने देखा कि गांव की होटल में खाने का कैसा मज़ा है और वहां पर जाकर अपना संडे गुजारना कैसा जो है अमेजिंग और अपने आप में एक एंटरटेनिंग होता है, वो आज हमने इस वीडियो में देखा। इंशाल्लाह आपसे अब मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, एक नई मोटिवेशन, एक नई एनर्जी, एक नई स्टोरी के साथ। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।